बोल एंटरटेनमेंट के तफरी से भरपूर शो सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम जनाब, बोल लाइट्स विद एहसन खान आप देख रहे हैं। और सबसे पहले एक बात आज ज़रूर करना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी ज़िंदगी में बड़ा काम देती है। अगर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं तो यकीनन पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हैं, और अगर आप नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं तो नेगेटिव चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ती। ज़िंदगी में पॉजिटिव होना बेहद ज़रूरी है। ईद करीब है और ईद का मकसद भी ये है कि एक दूसरे के साथ प्यार करें और एक दूसरे के साथ मिल के खुशियाँ बांटें, गम बांटें, लोगों के ख्याल करें। और अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं उनको ढूंढिए, और हमारे इर्द गिर्द बहुत से अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं जिनको हमारी आपकी सबकी ज़रूरत होती है। सो वी हैव टू लुक फॉर देम एंड डू समथिंग फॉर देम दिस ईद। अच्छा जनाब, क्योंकि हमेशा यहाँ पे लोग वो आते हैं जो आपके मेरे फेवरेट हैं, और हम लोग बाकायदगी से फॉलो करते हैं आपके मैसेजेस को कि आप किन से मिलना चाहते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, और आपके बहाने से मेरी मुलाकात भी हो जाती है। शो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। जनाब आपको पता चल गया तो प्लीज वेलकम फैसल कुरैशी। थैंक यू फैसल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, हैव अ सीट। थैंक यू। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ तारीफें ज्यादा हो गई? नहीं, तारीफें डिजर्व करते हो यार। मैं तो, हम सब मानते हैं, सारी दुनिया जानती है भाई, पाकिस्तान के अगर चंद नाम अगर हम लें, यंग, वैसे यंग कहते हैं मैं थोड़ा रुक गया था, लेकिन चलो मतलब यंग और नॉट दैट यंग, बिकॉज यू हैव जस्ट डन कैरेक्टर्स जो ओल्ड भी है, यंग टू ओल्ड सारे, लेकिन कब से अच्छी एक्टिंग? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बूटा इतने साल पुराना, बिल्कुल अब भी अच्छे एक्टर, अब भी अच्छा काम। तो ये तो जिंदगी की एक जर्नी है, विच इज अमेजिंग, एंड आई हैव सीन यू वर्किंग सो हार्ड, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई एंटर्ड द स्टूडियो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। जिंदगी में पहली बार जब मैं स्टूडियो गया, अब मोमा राना की एक फिल्म थी दीवाने तेरे प्यार की, वो भी हिट हो चुकी थी, बाबर अली भी स्टार और था, और सऊद और बहुत लोग, और एक लड़का जो जबरदस्त एक्टर और फिल्में कर रहा था, आई रिमेंबर वॉचिंग अ फिल्म ऑल्सो नरगिस के साथ, तब उस पुराना, मतलब मैं भी बता रहा हूँ कि मैं भी तब मौजूद था स्टूडियो। सो आई हैव सीन योर वर्क एंड देन योर जर्नी ऑन टेलीविजन, टोबा, जो बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग और दूसरे, और अब फिर होस्टिंग और सारा कुछ यार, तो ट्रमेंडस। ये जो एक इतना बड़ा जो वो कहते हैं ना बैगेज है साथ, जबरदस्त किस्म का एक्टिंग का, ये बड़े कम एक्टर्स को नसीब होता यार। अगर वैसे काउंट करें तो ऐसन फ्रॉम द चाइल्डहुड एक्चुअली, वो जो बचपने में बहुत सारे बड़े नाम जिनके साथ टीवी पे काम करने का मौका मिला, स्टेज पे काम करने का मौका मिला, फिल्म पे काम करने का मौका मिला, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, सो आई बीन वर्क। मैं तो कोई आर्ट्स, एट्थ क्लास तक मैं ये कर रहा था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम, एंड मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए और मैं फिल्म में हीरो आ गया। हाँ, सो तुम ये सोचो कि कितने साल का गैप आया होगा, तो मैं तो इंडस्ट्री से दूर ही नहीं हुआ। आई नो, मैंने बचपन का जो एक कोई चाइल्ड स्टार एज अ चाइल्ड एक्टर यू वर इन दिस प्ले, आई सॉ इट ऑन पीटीवी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आसिम बुखारी साहब और कुछ और लोग थे उस प्ले में, मैंने देखा वो प्ले। अच्छा, बहुत एक पीटीवी का पुराना है, औरंगजेब लगारी साहब और कवि अंकल और हां सब लोग थे, काफी वो मिर्ज़ा एंड संस, बिल्कुल। अब बड़ी एक जर्नी है भाई फिल्मों में, बड़ी पहले कोशिश भी की और काम भी हुआ, तब ज्यादा फिल्म, बहुत बेहतरीन फिल्में बनती थी उस जमाने में, और जो भी एक्टर्स फिल्म में आता था उसका नेचुरली ख्वाब होता था कि फिल्म स्टार बने। अब तो मुझे लगता है कि टेलीविजन एक बहुत बड़ा मीडियम है, अब तो दोबारा से फिल्म्स मेरे ख्याल से, बिल्कुल बेशक बिल्कुल फिल्म ही यार एक्चुअली। अगर आप किसी भी एक्टर से दुनिया में बात करते हैं, सो जो हमारे टाइप के एक्टर्स हैं वो ज़्यादा फिल्म में छलांग मारने की कोशिश करते हैं, जो हमसे ज़्यादा पागल हैं, जो और ज़्यादा पागल हैं, वो कहते हैं नहीं हमें स्टेज करना है। सो यू नो वो एक अलग, लेकिन नाम टेलीविजन से मिला ज़्यादा, काम ज़्यादा टीवी पे किया। ऑब्वियसली यार, मतलब बूटे से पहले एक्चुअली जावेद साहब ऑफर्ड मी अ सीरियल मझधार, सो मैंने वो किया था, पहला सीरियल वो था, पर ठीक है उससे रिकग्नाइजेशन मिल गई, तीन चार छोटे प्ले मिल गए जिसमें टेलीफिल्म्स थी, एक दो पीटीवी के ड्रामे कर लिए, तो फिर मुझे जो है वो बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सिंग मिला, और उसके बाद फिर
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जनाब। रोज हमें नजर भी आते हैं मॉर्निंग शो में, हम रोज देखते हैं और फिर ड्रामों में फर्क फर्क कैरेक्टर्स में भी देखते हैं। क्या बात है यार। अच्छा एक और हमारी गेस्ट हैं, मुझे जब उनके लिए मैसेजेस आए उनका नाम बार बार आया मैंने, बिकॉज आई हैवंट वर्क विद हर, और मैं हैरान हुआ कि इतनी लाइकिंग है उसकी, क्योंकि एक इमरान अब्बास के साथ प्ले उसका आया जिसमें आयजा भी थी, और मैंने फिर बाकायदा जाके देखा यूट्यूब पे वो प्ले, मैंने कहा यार ये कौन लड़की है जिसके बारे में लोग मुझे इतना बोल रहे हैं कि उसको बुलाए, एंड शी इज़ गॉर्जियस, शी इज़ वंडरफुल लुकिंग गर्ल एंड शी लुक्स वेरी टैलेंटेड, और मैंने जो काम भी देखा मुझे लगा कि यार ये तो लग रहा है कि बनी बनाई हीरोइन को आ गई। देखते हैं ये टैलेंटेड एक्ट्रेस है कौन। प्लीज वेलकम अरिबा हबीब। छोटी सी जर्नी, ये इतनी बड़ी जर्नी इस आदमी की, और साथ एक छोटी सी जर्नी में इतनी जल्दी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, पसंद भी किया। आई वॉज सरप्राइज बिकॉज मैं इस शो में हमारे फीडबैक के थ्रू चलता हूँ, मुझे हर वक्त लोग मैसेजेस करते रहते हैं क्योंकि माशाल्लाह दे आर वॉचिंग द शो, इट्स डूइंग वेल। मैं चाहता भी हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ कि यार जो ये लोग बोल रहे हैं आप उसके हिसाब से बनाओ, तो बड़ी डिमांड। मैं इस पर ना तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ। PSL में इत्तेफाक से हम लोग साथ गए हुए थे, और वहाँ PSL में हमारा चूँकि डायरेक्ट कनेक्शन हुआ हुआ होता है लोगों के साथ, तो ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले से पिछले साल वाली। तो अरिबा भी वहाँ पे थी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग आ रहे थे और पिक्चर्स मेरे साथ बना रहे थे और वो काफ़ी कुछ हो रहा था, तो अरिबा ना ऐसे देख रही थी, तो मैंने कहा क्या हुआ, कहती यार मैंने इतनी मॉडलिंग की है, कहती ये इस तरह से हमारे पास नहीं आते। मैंने कहा तुम सीरियल कर रही हो ना, कहती हाँ। मैंने कहा नेक्स्ट PSL पे बात करेंगे। अच्छा फील्ड में कैसे आई, क्यों आई, कब सोचा कि मुझे ये काम करना है? एक्चुअली मैं पहले मॉडलिंग से शुरू किया था, मॉडलिंग में मुझे 4 साल हो गए मॉडलिंग में, एंड देन फिर मुझे मॉडलिंग में फ्री अल्ताफ एंड टप्पू जवेरी ये लोग लेकर आए थे, बोथ बिग नेम्स, वंडरफुल नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री। एंड देन उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब 4 साल हो गए लोग जानना शुरू हो गए, फिर मुझे ड्रामों की ऑफर्स आए, कुछ मूवीज के सॉन्ग्स की ऑफर आई जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, एंड देन फिर मैंने डिसाइड किया कि ड्रामा करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर PSL। मूवी के सॉन्ग में क्यों नहीं इंटरेस्टेड थी, क्या मतलब? एक्चुअली वो सॉन्ग आइटम नंबर, इट्स नॉट काइंड ऑफ लाइक कि मैं बोलूं आइटम नंबर, बट मैं नहीं थी, मुझे नहीं, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी जो करना करवा ले, ये वाला सीन है। हां क्यों यार, आई फील कि इट इज कॉल्ड आइटम नंबर इन अ वेरी नेगेटिव वे, बट वो तो बड़ी प्रोजेक्शन देता है। आई थिंक मैं आपको बताती हूँ, आइटम नंबर को लोगों ने नेगेटिव वे में ले लिया है, हमारी ऑडियंस ने, और हम अपनी ऑडियंस के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही। अगर हम अपनी ऑडियंस को बता दें कि ये नेगेटिव नहीं है, ये एंटरटेनिंग है, तब जाके वो एक्सेप्ट नहीं। उसके अलावा हर इंसान की अपनी एक लिमिट्स भी होती हैं जो वो खुद तय करता है अपने लिए, और अगर आपको एक चीज लगती है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, किसी और के लिए वो ठीक हो सकती है, तो आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। और जो आपने बात की है वो बड़ी देर बाद समझ आती है, वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू से, कि हम जिस ऑडियंस के लिए काम करते हैं, हम जिस मुल्क में हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, उनका ख्याल करना बहुत जरूरी है। दो पॉइंट्स है ना, कि हर पुरानी बात सही नहीं है, हर नई बात सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, लोग कहते हैं कि जी हमेशा से आइटम नंबर होते आए, मैं भी इस बात को कहता हूँ कि हाँ, लेकिन वैसे हमेशा से नहीं होता है फैसल, क्या बात कर रहे हो, नहीं मतलब कुछ फिल्मों में होते हैं, मतलब हर फिल्म में नहीं होते, लेकिन द पॉइंट इज हाँ, मतलब अभी भी हर फिल्म में पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फिल्में उठा के देखें, आइटम नंबर नहीं, उसको आप अगर उसको आइटम नंबर का नाम दे दें, और चूंकि अब थोड़ा सा यू नो लोगों के अंदर समझ आ रही है, चीजें वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो फिल्म्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली जिस तरह के लोग अब आपको देखना चाहते हैं, बिकॉज तुम हो, मैं हूँ, या हम जैसे जितने भी लोग हैं जिनको लोगों ने टीवी पे देखा है, जो हमारे साथ बड़े हुए, तो वो आपको उस तरह से ना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। सही है। सो वो रोमांस में तो आपको बर्दाश्त कर लेंगे, या चिचोरपन में, रिलेटेबिलिटी की बात है ना, रिलेटेबिलिटी की बात है, अगर खामखा डाल दिया आपने, हाँ, बीच बिला बिला वजह, हाँ। तो अच्छा क्या अब फ्यूचर में क्या करना चाहती हो, मतलब अभी तो माशाल्लाह यू हैव यू नो लाइक एक पूरा मैदान सामने है और बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन क्या ख्वाहिश क्या है करने की? आई थिंक ख्वाहिश पूरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता मेरी। अच्छा, जो मैं काम करना चाह रही हूँ एक्टिंग, इसमें पर अभी रिसेंटली मुझे ये कि मैंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया है,
अरे वाह, जरा लोग इंतजार करते हैं कि एक नाम एक सर्टेन लेवल पे पहुंचे तो फिर ब्रांड शुरू करेंगे। ये बड़ी जल्दी शुरू कर दिया यार, बिकॉज़ मुझे पता है कि जब तक मैं सेटल होंगी तो ब्रांड भी सेटल हो जाएगा। अच्छा, और मावरा ने भी अपना एक जबरदस्त ब्रांड लॉन्च किया है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी लेटेस्ट स्टेज पे आके लॉन्च किया, तो ये वेरी यू नो इट्स अर्ली, इट्स वेरी क्विक, वेरी यंग आल्सो, तो क्या है उसमें अवेलेबिलिटी, किन चीजों की? ऑफ कोर्स लाइक जो हम लोग जैसे अभी मैं पहन के बैठी हूं, दैट्स ऑल माय, और बाकी डिफरेंट इस तरह के हम लोग यू नो गर्ल्स यूजुअली कपड़े पहन रही होती हैं ट्रेंडी, यू नो। अच्छा, एक्टिंग में क्या रोल करने का शौक है कि मुझे ये करना है? मुझे बहुत शौक है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करूं। अगर मैं एक ही बनती रहूंगी ना, वो रोने जानवर का रोल, कोई बिल्ली का रोल, क्या नहीं, वो तो कभी कोई नहीं बन रहा। डिफरेंट क्या? डिफरेंट मीन्स कि जैसे कभी आप नेगेटिव कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव, कभी वाइफ, कभी बेटी, कभी माँ। पुराने जमाने में सवाल होता था ना कि आप क्या रोल करना चाहती, तो वो अक्सर लोग जाते हैं अंधे का रोल करना चाहती। तो मुझे वो जहन में है कि वो अंधा जो था ना, वो एक बड़ा मुश्किल लोगों का रोल लगता था होता था। अच्छा, फैसल की वीडियो बड़ी वो ये वायरल यार, ये वैसे में क्या मतलब क्या इसका क्या था वो? या तकलीफ दे बात है, ठीक है, देखो हम उसको ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा मैं। कुछ बातें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, no, जो you know abrupt, देखो फैसल नहीं एक मैं बात कवर कर लूं एक बार। कुछ बातें होती हैं जो आप कोई भी सामने से अब्रप्ट कह देता है। अच्छा, मेरे शो पे कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, तुम भी आई हो, मुझे यकीन ही नहीं। I felt you played along, मुझे ऐसा लगा कि उसको थोड़ा लंबा भी कर दिया उस बात को, मतलब ऐसे भी जाने नहीं, वो बात तो खत्म हो गई थी वहाँ पे, उसके बाद तो हमने शो खत्म कर दिया था। अच्छा, मतलब उसके बाद तीन चार तस्वीरें थी हमने, और हम कर क्या रहे हैं, जैसे तुम पिक्चर्स दिखा रहे हो, मैं अगर तुम्हारी पिक्चर दिखाऊं और नुमान भाई बैठे हुए हैं या कोई बैठा हुआ है, मैं उससे कहूँ कि आप एसएन को क्या मशवरा देंगे? तो जैसे बिलाल की तस्वीर आई तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इसको फिल्म्स करनी चाहिए। सभा की तस्वीर आई, फिरदौस साहब ने बहुत तारीफ की। महविश की तस्वीर आई, फिरदौस साहब ने बहुत तारीफ की। फिर उसके बाद जब जो बात मुझे बुरी लगी थी, आप किसी की एज पे अटैक नहीं कर सकते, वो बात मुझे उसने उस बात ने मुझे लेकिन ऑन एयर नहीं लगा कि बुरी लगी। नहीं, मैंने बात ऑब्वियसली यार, अब मैं फिरदौस साहब है, हाँ, जिस आदमी के मैं गोद में खेला हुआ हूं, और मेरे तो वो मैं कहता हूं उस्ताद है यार। हां, हम सब, ठीक है ना, ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही इज अमेजिंग। लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया उसने बहुत तकलीफ दी है, जो जो हकीकतन मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी आप मतलब आप 50 साल से एक आदमी काम कर रहा है यार, 50 साल बहुत होते हैं यार एक इंडस्ट्री में, जिसने दुनिया का हर तरह का कैरेक्टर प्ले किया है यार, और उसके साथ आप ये कहें कि हम काम नहीं कर, राज़िक अल्लाह है, ठीक है, दैट वॉज पेनफुल। मतलब ठीक है कि हम सारे इस बात पे थे कि हाँ फिरदौस साहब ने ये गलत बात, और देखो इस सारे जो ये जितनी बात हुई है इसमें बात क्या है, हम किसी को काला कहते हैं, किसी को मोटा कहते हैं, किसी को गंजा कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को उम्र के ताने पड़ते हैं, सब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे पड़ते हैं उम्र के ताने। सो इस पूरी बात में जो पॉइंट थी, जिस पे लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए था कि यार खुदा के वास्ते आप अपने काम से काम रखें, आप किसी की, फिरदौस साहब अगर बैठ के ये कहते ना कि फलाना एक्टर अच्छा नहीं है और वो काम अच्छा नहीं करता, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा, ये बात मैं आपको कहता हूँ। अच्छा, लेकिन फैसल एक चीज़ तो बात तय है, आपकी एक सर्टन चैनल से एसोसिएशन हो, आपकी किसी चैनल ओनर से दोस्ती हो, तो एक दूसरे की दोस्ती में लोग साथ तो देते हैं एक दूसरे का, तो इसलिए वो शायद जो रिएक्शन था वो साथ देने की दोस्ती का था। हाँ, लेकिन इतने हार्श वर्ड जो उसमें था ना कि वो मतलब शेम है फॉर दिस इंडस्ट्री। आप ठीक है, आपने नहीं काम करना, मतलब मैं आपको ये ऑन एयर बता देता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब बदो आपा वाला वाकया हुआ था, जब बदो आपा को उठा के वहाँ फवाद खान को बिठाया गया था, और इस तरह की दो तीन चीजें मेरे साथ, सुन लो मैं बता रहा हूँ ये बात, उसके बाद मैंने हम टीवी के साथ काम बंद कर दिया था। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने हम टीवी के साथ काम नहीं किया, सिंपल। सो ये तो मैं अच्छा open मैं वैसे यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आपस वो अरे वो हैरान रही ये बातें कर रहे हैं, नहीं, नहीं, अच्छा नहीं, मैं ये बताऊँ, मुझे इस बात का यकीन है फैसल कि वो जो वाक्या हुआ था दैट वाज नॉट ट्रू, दैट तो आप झूठ बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको ऐसा बिल्कुल झूठ नहीं बोला, उनको ऐसा फील हुआ, तरीके से उनको लगा ऐसा हुआ, लेकिन वो सिर्फ ये मकसद है कि आप यहाँ से उठे और कोई और बैठेगा। आप अवार्ड्स पे जाते हैं, आपने देखा नहीं है कि सामने की 6 सीटें खास रखी जाती हैं, आप नहीं देखते? छोड़ दें यार एसन भाई। अच्छा फिर मैं, मुझे ये लगता है कि जब सच बोलना चाहिए,
बहरहाल सच बोल रहा है, दैट्स योर, इट्स योर, व्हाटएवर ग्रो कर रही है, देखिए व्हाटएवर यू वांट टू से, व्हाटएवर यू ऑब्जर्व, इट्स योर ऑब्जर्वेशन. मेरी देखो हर एक का जिंदगी में, मैं अरीबा से मिलूंगा, मेरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. नहीं नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूं यार, मैं एक अवार्ड शो पे गया, फहद मुस्तफा जिसने 4 फिल्में सुपर हिट दी हैं, सुपर हिट शोज करता है, वो कोने में बैठा हुआ था और हुमायूं सईद पीछे बैठा हुआ था और इस तरह के लोग इधर उधर बैठे हुए थे और मैं सामने, अब कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो, ये एक लाडलापन ख़त्म करें, इंडस्ट्री को ग्रो करें, इस इंडस्ट्री को आपस में जोड़ें, सारे मिलजुल के एक दूसरे को साथ लेके चलें, लाडलापन नहीं होना चाहिए कि वो जो इसका लाडला है वो उसका लाडला है, ये नहीं होना चाहिए. माँ का लाडला बिगड़ गया. आई थिंक आई एग्री. नहीं यार, ये एक्टर को एक्टर की वर्ड मिलनी चाहिए. दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग समवेयर एल्स. पर्सनल थोड़ी हम बात करते हैं कि जर्नी जब शुरू हुई, योर पेरेंट्स वर आल्सो फ्रॉम द सेम फील्ड. अम्मा, नॉट अम्मा. यस, अच्छा ठीक है. तो आसानी हुई या मुश्किल हुआ? नहीं यार, बिल्कुल नहीं. एक परसेंट जिसे कहते हैं कि उन्होंने कहीं ना सिफारिश की कभी, ना उन्होंने कभी किसी से कहा. और मैं हमेशा ये बात, लोग जब मुझसे पूछते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि जो एक्टर का बेटा या एक्ट्रेस की बेटी आती है, उनके लिए ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है. जो नए लोग आते हैं ना, उनको हेड स्टार्ट मिलता है. ऑब्वियस आप देख लें, आपके सामने जितने, मतलब तुम एक बिल्कुल बाहर से आए, ऑफ कोर्स मेरा कोई इस इंडस्ट्री में कोई ताल्लुक नहीं, हेड स्टार्ट मिला, लोगों ने तुम्हें रिसीव किया, पसंद किया. एक सुपरस्टार का बेटा जब आता है इंडस्ट्री में, लोग यूँ बैठ के उसको देखते हैं, चाहे वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के साहबजादे हों, चाहे सुल्तान राही साहब, सुल्तान राही साहब के साहबजादे हों, चाहे वो मुस्तफा कुरैशी साहब के साहबजादे, उनको ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है उनके बाप के साथ, जो कि बिल्कुल गलत बात. फैसल, कैरेक्टर कौन सा करना मतलब ज़्यादा मज़ा आता है? एक तो मैंने देखा कि जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं, रोमांटिक भी देखे, नेगेटिव भी देखे, हाँ नेगेटिव भी, सारे तमाम देखे, ओल्ड एज वाले, दूसरी तरह की कॉमेडी भी देखा, सभी कैरेक्टर्स में यू do well, justice to the character, mashallah. लेकिन खुद को कौन सा पसंद आता? कॉमेडी सबसे मुश्किल है. अच्छा, मुझे लगता है बिकॉज किसी, मतलब नॉर्मल आदमी को रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है. एक आदमी गुस्से में और उसको हंसाना जो है ना, वो जो यूं बैठे होते हैं ना टीवी के सामने, क्या दिखा रही हो, वो देखते तो खुद नहीं है, वो तो बीवी दिखा रही, बीवी दिखा रही होती, सही है, उनको हंसाना बड़ा मुश्किल है, चाहे आप स्टेज पे हैं, चाहे आप टीवी पे हैं, चाहे आप फिल्म हैं, बगैर वहियात हुए हुए आप अगर लोगों को हंसा दें तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छा, बात है. मॉर्निंग शो बड़ा मुश्किल काम है, और रोज सुबह उठना, क्योंकि मैं तो चंद होस्टिंग रमजान में शो करता हूँ, तो पूरा महीना जब बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रमजान के दौरान पूरा एक शो करना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड देन ऑल्सो होस्टिंग अ सर्टेन शो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इट्स वेरी टफ. हाउ डू यू मैनेज? आदत हो गई यार, मजा आता है. हाँ, शो मतलब करने का 4 साल पहले एक चैनल पे चेक देख के मजा आता है या वैसे शो करने का? नहीं, चेक तो ऑब्वियसली यार, तो वो तो जरूरी चीज है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंसेंटिव. मैं यार, हाँ भाई पैसे अच्छे आ रहे हैं. मैं मजे की बात करूं, मैं वो मैंने जब मैं पिछले चैनल पे जब टीवी वन पे था, मैं जब मुझे वो ऑफर हुआ तो बहरोज भाई को कहीं पता चला मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूं, तो इधर मैंने कहा जी मेरे साथ, तो ये सारे मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, प्यार करते हैं यार, ये प्यार करते हैं, मुझे ऐसे ही डांटते हैं सारे, इधर उधर कोने पे. मैंने कहा हाँ जी, पागल हो गया तू, एक्टर है, तेरा दिमाग खराब है, तू मॉर्निंग शो करेगा, तू बोले जा रहे हैं. मैं सुनता रहा सुनता रहा. मैंने कहा हो गया? कहते हैं. मैंने कहा कहाँ इधर लाए? कहते क्या है? मैंने कहा कहाँ इधर लाए, मैं पैसे बताने लगा हूँ. मैंने जब पैसे बताए, हाँ कर ना, मैं कर रहा हूँ. तो ये जब ये एक अलग चीज है, लेकिन मॉर्निंग शो के लिए कोई तैयारी करनी पड़ती यार है? देखो होता क्या है, शुरू में इतना पता नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग प्रोसेस. आज भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे मेरे शो पे जो चीज़ हुई, मेरी कोताही थी या मेरी समझ ले कि नाअकली थी, कि मैंने उस वक्त उस चीज़ को उस तरह से ट्यून नहीं किया. सही, ठीक है, ये मैंने अब सीखा आफ्टर 8 ईयर्स, क्योंकि आज तक मेरे शो पे कोई इस तरह की कभी ना किसी ने चीज़ हुई है, ना कभी कोई ऐसी बात होती है. हम लोग मजाक मस्तियाँ करते हैं, या मैं बहुत सीरियस शोज़ करता हूँ, ज़्यादातर मैं सोशल इश्यूज़ पे शो करता हूँ. फैज़ान की एक कॉल आई, उसने मुझे कहा वो था नहीं उस दिन शो पे, तो कहने लगा गया फैज़ान बहुत सारी चीज़ें वायरल होनी चाहिए फिर आपकी, तो बिछड़ों को मिलवाया आपने, सिलेबस चेंज करवा दिया आपने, इतना काम फला क्यों नहीं हुआ, वो सब वायरल होगा. अच्छा काम आपका कभी वायरल नहीं होगा. आपने आप इतना आपने
वो जो आपने किया, जो लोगों के लिए कपड़ों का जो आपने एक स्टैंड बनाया, वो सारा कुछ किया आपने, कहाँ वो वायरल हुआ? ऐसन आप लगे रहे, आप करते रहे, क्या उससे क्या मतलब, कितना लोगों ने आपको उस पर वाह वाह की, वही जो आपके करीबी चंद सच्चे फैंस हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती फैसल जो आप अपने लिए करते हैं और अल्लाह के लिए करते हैं, आप जो नहीं उसका रिस्पांस मिले ना मिले, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए ना। हाँ, आपको मतलब आप यू, यू, उसको प्रमोट नहीं कर रहे, लोग तो उसको प्रमोट हाँ, करें ना। हाँ, तो जो हम अच्छा काम करते हैं वो कभी प्रमोट नहीं होगा। हम हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए, बच्चों को आप पढ़ा लें, आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप स्कूलों के लिए जितना मर्जी लड़ लें, वो कभी नहीं होगा, वो प्रमोट कभी उसको वायरल नहीं करेंगे। नेगेटिव चीज को वायरल करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात। डू यू बिलीव इन नेगेटिव? वो कहते हैं ना, ऑल एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, कोई भी हो। एक चीज बुक कर चुकी हूं बहुत पहले, आपको पता है। हां, तो प्रॉब्लम ये कि हमारे यहां जो एक ये विक्टिम कार्ड होता है ना, कि जो जिसके ऊपर हुआ होता है वो बहुत मासूम बन जाता है। आई थिंक जिसके साथ हुआ होता है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ समबडी से एनीथिंग टू मी, तो मैं फौरन से आगे से रिएक्ट कर दूं फौरन कि नहीं, इट्स फाइन, आई नो फैसल, आई नो फिरदौस भाई, जो भी हम लोग जिस तरह के साथ काम करते हैं, अगर हम बोल दें ना तो वो बात वहीं ख़त्म हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम खामोश होकर चेक कर रहे होते हैं, देखो इसने फेवर में कमेंट किया, उसने ट्वीट किया, उसने नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए। हमें उसी वक्त उसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। इंडस्ट्री प्ले अलोंग नहीं करना चाहिए, नेगेटिविटी को बिल्कुल सही है, मिल के रहना चाहिए। हम लोग इसी में रह जाते हैं कि स्टार पावर, आई एम समथिंग, आई हैव डन दिस। नहीं, आप मिल के रहें। वो लोग बाहर वाले जिनको हम फॉलो करते हैं आइटम नंबर, तो आप उनकी दूसरी चीज़ें भी तो फॉलो करें। उनके यहाँ एक स्टार नहीं है, उनके यहाँ 10 स्टार पीछे खड़े हैं, और वो सबको वही रिस्पेक्ट देते हैं। दैट्स वाई वो लोग बहुत आगे जा रहे हैं और हम बहुत पीछे जा रहे हैं। डे बाई डे हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। सही है जनाब, गपशप तो जा रही है, हमारी बातचीत भी जा रही है, थोड़ी थोड़ी सीरियस बात भी हो रही है आज, मुझे लग रहा है सीरियस इश्यूज इसका। फैसल का ये है कि कभी खुद तो लोगों से बातें करता ही है, लेकिन खुद कभी कभी कम ही जवाब दे रहा था, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है यार। हाँ, फैसल बैठा हूँ। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जनाब, हमारा अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे का है। ये जो है एक्टिंग, तो दोनों जानते हैं बड़ी अच्छी एक्टिंग करना, ये कि उसमें ना मुहावरे हैं या गाने हैं या कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे को समझाना है क्या है, और गेसिंग गेम है कि यू प्लेड दिस इन योर शो मेनी टाइम्स। तो पहले यू वांट टू गो फर्स्ट और ही वांट्स टू, प्लीज लेडीज फर्स्ट। मुझे पता था जब ये बात बोलेगा। हाँ, पहले यार जाना चाहिए था पहले फैसल को, क्योंकि यार वो सीख लेती ना सारा। चलो अब चले जाओ, कोई बात नहीं, सीखी हुई है, ये सीखी सिखाई है यार, ऐसी कह रही सीख लेते। नंबर चूज करो भाई। मैं चूज करूँ? हाँ, हमारे तो 8 नंबर। 8 क्यों चूज किया भाई? ऐसे ही। अच्छा, नजर आ रहा था ना सीधा, गाना इट्स अ सॉन्ग। तुम्हारा गाना है? मैं पाकिस्तानी है? नहीं। मैं का नेक्स्ट लव्स कोई और? मैं हम नहीं, मैं मैनू मुझे हाँ, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला मैं मॉडल नहीं, प्यारी लड़की लड़की। ओके, ये छोड़ दे, छोड़ दे। कहां चले, कहां जा रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं। वो पूरा डांस करके दिखा रही है, पूरा गाना परफॉर्म करके। समझ आ गया। ओके, मैं आपको इसका एक्टर कौन है? एक्टर लंबा? हाँ। बिल्डर? इंडियन। पाकिस्तानी? इंडियन। इंडियन ल हो गया काम मेरा। लंबा है, पुराना है? हाँ। अमिताभ बच्चन? हाँ हाँ, उसका उनका गाना है मेरे अंगने में। हाँ हाँ यार, ये हाय नाइस। नेक्स्ट, ये बचपन की गलतियां हैं, मुझे माफ कर देना पाकिस्तानियों। अच्छा, फिर ऐसे चलते हैं। 5। ओके, गाना है? मुहावरा है? मुहावरा। ये मुहावरा है? तोरबा क्या है? मुहावरा। अच्छा, मुहावरा।
वो भैंस के सर पे सींग नहीं, गधे के सर पे सींग नहीं, किसके सर पे सींग होते हैं पहले? हाँ पूरा तो देख ले भाई। हाँ आप बैल मुझे मार। यार मारा ला यार, बड़ी चेकिंग है। हाँ, हाँ। ये पूरी बैल बना के मार भी खाई। हाँ। गुड यार, ताली यार। एक और नंबर चूज कर, सही हो ना हो मजा आ रहा है। कौन सा नंबर? एक नंबर, सारे तो हमने इससे करवा लिए। मजा आ रहा है ना? ओके ओकर भी दिल से रही है। ये पुराना गाना पाकिस्तानी दिल। हाँ इसको पंजाबी में कराना यार। दिला ठहर जाए यार, देखा मैंने क्या बोला था, इसको पता हो गया यार। एक मिनट, सिंगर कौन है? हमारे पुराने सिंगर हैं, मेरे ख्याल से भट्टी साहब है। भट्टी साहब है ना? मुझे भी ये लगता है। मुझे भी ये लगता है। मुझे नहीं लग रहा अभी कुछ भी। इनायत हुसैन भट्टी साहब, वसीम अब्बास साहब के वालिद साहब। मैं बता रहा हूँ, इनायत हुसैन भट्टी साहब की तीसरी जनरेशन काम कर रही है। बिकॉज़ ही वसीम अब्बास हिज फादर, और वसीम अब्बास के बेटे भी काम कर रहे थर्ड जनरेशन। तो एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार दैट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इनायत हुसैन भट्टी, अमेजिंग एक्टर एंड अमेजिंग सिंगर। अच्छा जनाब, फैसल कुरैशी की बारी। तो पाकिस्तानी निकला तो ये तो बताइए नंबर। 9 9 वाला भाई। फिल्म है पुरानी। पुराने जमाने की फिल्म है? नहीं बहुत पुरानी भी नहीं, बस बीच की है। चलो बीच ही कर दो। लंबा एक्टर? हाँ। अमिताभ बच्चन? हाँ। ओके गाना है? हाँ। ओके अब वो डिस्को डांसर नहीं? वो अमिताभ बच्चन कब था? नहीं ये हाँ। जुम्मा ओ मेरी जान। अरे यार बड़ा गाना पता लग गया। आगे जी, अगला नेक्स्ट। नहीं नहीं यार, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं है भाई। डेफिनेटली डेफिनेटली सीरियसली। अच्छा जी नेक्स्ट। दिल से फैन है। नंबर 6 गाना, एज यू सेड। अच्छा कहा महावरा? ये गाना बन गया 5 मिनट के बाद, पहले ये महावरा गाना। महावरा हाँ। खाया पिया खाना ये क्या नॉक कर रहा है भाई दरवाजा? कोना खुदरा खुदरा मैं तो बस मैं हूँ। हाँ, बाकी सब हाँ और सब फारिग है। हाँ मैं तो बस मैं हूँ, बाकी सब पानी कम समथिंग। क्या है ये महावरा क्या? मैं तो बस मैं हूँ, बाकी तो सब एवें पानी कम। नहीं आ रहा सच में। अच्छा थोड़ा सा कुछ ओ, ओ, मैं हाँ, मेरा हम हमारे मेरे मुंह मेरे मुंह ना लगो मुंह दूसरा मुंह मुंह सही है लफ्ज़ सेकंड लफ्ज़ मुंह मुंह पर क्या उड़ना हाँ मुंह को साइड पे कर दूँ अभी उड़ना पर चुड़िया चोंच मार रही है उड़ के कील ठोक रही है क्या कर रही है मतलब कैसे पता है वो यानी उसकी चोंच यूं करके खोद छोड़ खोद दिया उसने तो क्या वो क्या कर रहा चोंच टूट गई उसकी नहीं तो किसकी चोंच है ये बताओ चुड़िया की तोते की तोता हाँ, हाँ। तोता चला हंस की नहीं मैं मुंह तोता अब बोलो मुंह और तोते वाला क्या मुहावरा तो मुंह तोता नहीं याद आ रहा यार मुंह तो नहीं अच्छा तोते को और क्या बोलते हैं मिठू हाँ मिठू अब बोलो मुंह मुंह मियां मिठू हाँ अपने या अल्लाह अपने मुंह मियां मिठू ये लगा कोई थीसिस
अपने मुंह मिट्ठू शुक्र है या अल्लाह बेटा पानी दो यार अब क्या रह गया नेक्स्ट चलो जी टेन टेन गाना पुराना है नया बस दरमियाना सा लड़की है लड़का है सिंगर मेल है लड़की 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 है लेकिन हीरो बहुत पॉपुलर है बराबर किस फिल्म का है उसका हीरो बता दें तो कुछ पिक कर लेता है बंदा हाँ शाहरुख खान हाँ ओके फॉरेन पता दिल तो पागल है हिफ्स हुए ना दिल तो पागल नहीं दिया जले जहाँ जले ये ना जिया है और मैं तो हमेशा समझता दिया कि तूने भी दिया वाला एक्शन मैंने भी दिया ही बोला ये मुझे तो पता लगे कुछ गाने आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना जिया जिया जले मुझे लगे दिया ये मैंने अभी सुना जिया जले जान जले तो हम दिया दिया करते से पूछ भी लिया दिया से ही पूछ लिया बताओ यार वेरी गुड यार सही अच्छा जी एक और नंबर कौन सा रह गया तीन नंबर रह गया सेवन आसान है सर थ्री भी रह गए बहुत इजी हाँ क्या है मुहावरा है गाना है अब मुहावरा भी है कोई गाना पुराना गाना हाँ। है इतना सा था मैंने तब का सुना हुआ ठीक है हीरो कौन है उसमें कौन है ये मुझे नहीं याद ओके गाना सुना हुआ मैंने ठीक है ये मुहावरा भी है हाँ ये एक मुहावरा भी है पहली गाना ठीक है ठीक है तो उसको जनरली भी यूज करते हैं सही है तो आप मुहावरा में करें उसको मुहावरा और गाना भी है बस ये ठीक है उड़ रहा है हाँ अब नाम लो क्या चीज उड़ रही है कौवा कौवा काला शाह काला काला कौवा उड़ा हंस कौवा चला हंस की चाल मैं बोलना कौवा भौंक कौवा भौंक रहा है मतलब कुछ बोल रहा है ना कुछ कवा कवा कह कह कर रहा है क्या तू करता है हाँ एहसन बोल रहे होस्ट कोई बोल रहा है कोई बोल रहा है मैंने उसे जाके काट दिया तो कवा का गया बीच में तुमने काट दिया तो कवा का गया ओके कौवे ने काट लिया कौवे ने काट लिया कहां कहां काटा कब मेरे यार कैरी का कहां काटा कब मेरे ये कहां है या अल्लाह नहीं क्या करूं और अच्छा दूसरा लफ्ज बता दो हां यदि जो बात सच नहीं है वो ये बोल रहा है उसको क्या कहते हैं ऐवे ही बोले जा रहे तो कब्बा कहाँ गया कब्बा भी से कहाँ गया मुझे आ गया आ गया आ गया आ गया क्या है आप गलत कर रहे थे ना अच्छा मेरी गलती है सारी गलतियां मेरी ही है आजकल हाँ क्या है झूठ बोले कब्बा काटते हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बॉल नाइट्स विद एहसन खान जनाब वेलकम बैक और फैसल कुरैशी और अरीबा हमारे साथ मौजूद हैं रैपिड फायर राउंड का टाइम है जो कि रैपिड फायर रह नहीं गया कि मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा सवाल ना हो कि जिसका क्लिप जो है वो कल को वायरल हो जाए क्योंकि वो फिर बात जो होती है वो गेस्ट पे आ जाती है तो कोशिश होती है कि जरा संभल के बात करें और ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है शोज में कहीं बैठ नहीं करनी चाहिए आपस देखो जो बातें हम लोग आपस में करते हैं वो एक अलग बात होती है नेशनल टीवी पे आपका एक सेल्फ सेंसर होना चाहिए बेस्ट मॉर्निंग शो फेस या बेस्ट मॉर्निंग शो होस्ट कौन लगते सनम जंग निदा यासर साहिर लोधी अच्छा ये ऑप्शन है हाँ लेकिन मैं बताऊँ मुझे जो पर्सनली आई ऑलवेज प्रेफर जो अपना उनका मैं शो देखता था जो इस्लामाबाद से करती थी
क्या नाम था? फरा। अच्छी लगती है। लाइक हर शो। सवेरा का शो मुझे बड़ा पसंद था। ठीक जब सवेरा नदीम करती थी। ठीक है। हाँ। सेंसिबल टॉक जो होती है वो यू प्रेफर। थोड़ा और पीछे जाएं तो फिर मुस्तंद। हमें तो करने नहीं देते यार। दो शो करो रेटिंग ही नहीं आती। आपने इतना अच्छा तालीमी निजाम पे शो किया, आपकी रेटिंग जीरो से भी नीचे। फिर लोग कहते हैं यार आप लोग पढ़े लिखे शो नहीं करते। अच्छा 9 बजे के बाद काम नहीं करता फैसल कुरैशी। बैटरी खत्म हो जाती है यार। सुबह 6 बजे उठता हूँ। मतलब बिल्कुल नहीं। तो ये जो इवेंट्स होते हैं रात की शादी वादियाँ नहीं जाता? नहीं करने कहीं कितने दोस्तों ड्रामे में इवेंट आ जाए तो फिर क्या? वो दिन में वो फ्राइडे नाइट्स और सैटरडे नाइट्स वीकेंड पे उनको उनको स्पेसिफाई कर देते कि ये वीकेंड्स पे। ये अच्छी बात है वैसे। हाँ ये नहीं करना क्योंकि सुबह सुबह उठना होता है मॉर्निंग शो। नहीं फिर सारा दिन आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सही। एक्टिंग भी आपकी सफर करती है अगर आप थके हो। समझ ही नहीं कुछ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा तू बोल। ये थोड़ी होता है। Which super bike do you own? मेरे पास जो है वो स्ट्रीट ग्लाइड है स्पेशल CVO। अच्छा बाइकिंग का शौक किसने डाला? बचपन से था जब से टर्मिनेटर देखी थी। अच्छा उसके बाद? उसके बाद से हुआ था। अच्छा रेट इन ऑर्डर के प्रेफरेंस किसके साथ होगी काम करने के लिए? अच्छा आयजा खान, सवेरा नदीम, सरवत किरानी, शाइस्ता वाहिदी, नादिया खान। वो तेरी खैर। 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा से सवेरा ऊपर रही है। ठीक है बिकॉज योर केमिस्ट्री में भी यू लव वर्किंग विद हर। ओके ठीक है। 22 साल पुराने दोस्त हैं। अच्छा तो सवेरा ऑब्वियसली उसके बाद सरवत। अच्छा सरवत। सरवत मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है। बड़ा दिल से काम करती है। इक्वली मुझे आयजा बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा काम करती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो बाकी हैं शाइस्ता या वो शाइस्ता ने एक ही सीरियल किया वो मेरे साथ किया। सो बड़ी प्यारी इंसान है वो। नो डाउट। और बड़ा मजा आया है हमें उसके साथ काम करते हुए। ठीक है। नादिया खान जो है नादिया के साथ भी ऑब्वियसली नादिया के साथ काम किया। उसने मैं और तुम में एक एपिसोड किया था मेरे साथ। तो बहुत मस्ती है भाई। बहुत एनर्जी है वो। बहुत ज्यादा एनर्जी है वो। ठीक है। मेल में आबिद अली, फिरदौस जमाल, नोमान एजाज, एजाज असलम, अली खान। अच्छा इसमें जो ऊपर के तीन नाम हैं आबिद अली, फिरदौस जमाल, नोमान एजाज, ये इनके लिए सिर्फ ये है कि इनको आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। इनको मैं कुछ होता ही नहीं हूँ इनको जज करने वाला बिकॉज ये उस्ताद लोग हैं। नो डाउट। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम तलत साहब, कवि अंकल, ये सारे, ये कुछ और, एक अलग ही लीग है। और मैं एक बात तुम्हारे शो पे बैठ के कह रहा हूँ, ये इनका किया हुआ है जो हम सब आज बैठ के खा रहे हैं। सो ये बात समझने वाली है। बाकी रह गए अली खान और एजाज असलम। तो ऑब्वियसली एजाज असलम यार। दोस्ती में नहीं नहीं जान है। बहुत बहुत शौक है उसको काम करने का। बहुत शौक है। पता नहीं वो एक एक महीना पहले से तैयारी शुरू कर देता है। ये देखो भाई ये मैंने ना 2 पेंटे भी ली है। वो ऐसा आदमी है वो। अच्छा जनाब क्रूज ट्रिप हो, 10 दिन किसी के साथ टाइम गुजारने का मौका हो। वैसे तो 10 दिन से ज्यादा ही गुजारा है फैसल ने, कई दिन गुजारे हैं, लेकिन चलो ये सवाल भी कर लेते हैं। बहुत अच्छे ऐसे कि अगर मौका मिले अच्छा तो किसके साथ गुजारना चाहोगे? हाँ आयशा खान, महानूर बलोच, माहिरा खान या सनम बलोच। सब सही है। तो उनसे तो पूछ ले पहले कि वो चारों गुजारना चाहेगी 10 दिन इसके साथ। बात खत्म हो गई। चलो उनसे भी पूछेंगे, लेकिन भाई तू किसके साथ गुजारना चाहेगा बता दे। चलो एक कभी कभी कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है यार कि यू वांट टू स्पेंड गुड टाइम क्वालिटी टाइम। माहिरा। फेवरेट पाकिस्तानी फिल्म स्टार कौन है? फेवरेट पाकिस्तानी लाइक रीसेंट में, रीसेंट या मिडल में कोई भी। मैं हमेशा से नदीम साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे बहुत पसंद है। मैं एक बात ऑन एयर ये भी बता चुका हूँ कि मैं फिल्मों में जो आने का मुझे कीड़ा काटा था वो शान साहब को देख के काटा था। तो मैंने बुलंदी को 15-20 दफ़ा देखी थी और मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अगर मैं मुझे भी जाना है क्योंकि वो शान वॉज द गाय जो हमारी यूथ ही वॉज द गेम चेंजर। हाँ कि उससे पहले तो आप इसलिए रिलेट नहीं कर सकते कि राही साहब टाइप हीरो होते थे। शान वाज अ यंग बॉय हु केम इन द इंडस्ट्री। बाकी ऑब्वियसली बाकी बहुत लोग हैं तो नदीम साहब तो खैर। हाँ हाँ नो डाउट। बहुत बेचा भी बहुत है उनको। और अच्छा और फेवरेट फीमेल फिल्म स्टार?
मुझे बाबरा जी बहुत पसंद है हमेशा से, मुझे बहुत पसंद है बाबरा जी। शी इज अमेजिंग, शी इज ब्यूटीफुल। आई मीन अभी भी शी लुक्स गॉर्जियस। दो आई वर्कड विद शबनम आंटी, लेकिन बाबरा जी मुझे हमेशा से बहुत पसंद थे। और भी बहुत सारी लड़कियां हैं यार, लेकिन ओके। एक्ट्रेस विद एक्सेलेंट वॉइस, जो बोलती है तो बहुत अच्छा बोलती है, आवाज बहुत अच्छी। अच्छा कौन सी है? अभी आज के दौर में मुझे लगता है महविश बहुत अच्छा बोलती है, बिकॉज पंजाब नहीं जाऊंगी मैं हिमायों के सामने जो उसने सीन्स किए हैं वो बहुत जबरदस्त है। बहुत अच्छा, आई थिंक महविश इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, बोलती बहुत अच्छा। और महविश ने भी जिंदगी में इतनी मेहनत की है, और वो मेहनत नजर आती है सीरियसली। ड्रामे में रोमांटिक सीन करने का ज्यादा मजा किसके साथ आता है? यार कोई 80% मैंने रोमांटिक सीन दीवार के साथ किए हैं, क्योंकि वो लड़की को गर्मी लग रही होती है तो बेचारी अंदर बैठी हुई होती है, तो अब वो पता कर लो। लेकिन ये है कि तो हाँ, 20% उसमें से दीवार हो गई, 20% बचते हैं तो नादिया के साथ, नादिया जमील। अच्छा, बिकॉज़ शी इज आल्सो वंडरफुल एक्ट्रेस, और एक एक्टर को सामने एक्टर ही चाहिए होता है। हाँ, कि यार एक्टर बड़ा इन्वॉल्व होती है, वो नहीं कि सीरियल किया साथ में, लेकिन वो कौन सा काम है जिसको करने की बजाय मरना पसंद करो? इंडिया जाके काम करना। अच्छा, और मुझे क्यों पॉइंट किया? नहीं, मैंने कहा इंडिया जाके, तुमसे जरा उस तरफ है जहां बैठे हैं इससे थोड़ा। अच्छा, इतना मतलब नो नो है? नो नो है। फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान में? नए में पुराने में कोई भी? नए में पुरानों में भाई बहुत हैं, बहुत बहुत है। मोस्ट फेवरेट मैं बताऊं? हाँ, मैं इनके स्नैपचैट देखती हूँ। अच्छा, तो किसके गाने होते हैं? सज्जाद अली। हाँ, सज्जाद, सज्जाद भाई का। क्या बात है यार, सज्जाद भाई इज द बेस्ट। सज्जाद भाई मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली बहुत पसंद है। जनाब जबरदस्त, फैसल कुरैशी से बच बचा के बड़े अच्छे अच्छे सवालात हुए, सवालात और जवाब तो अच्छे थे ही। अब बारी है जी अरीबा की, तैयार हो? टिका के जवाब देना, कुछ नहीं होता, क्या वायरल ही होगा ना। अरीबा हबीब, 3 things that nobody knows about you. जब कोई नहीं जानता तो मैं क्यों बताऊं? यही तो हम जानना चाह रहे हैं भाई, कोई ऐसी बता दो अच्छी वाली। मैं अभी तक अम्मा के हाथ की सुबह कॉफी पीती हूँ, मेरी हर रोज आदत है। अच्छा, और जब वो पाकिस्तान नहीं होती है तो मैं एक एक महीना कॉफी नहीं पीती, सुबह में लेट हो जाती है, ये एक आदत है मेरी। दूसरी मैं बताना नहीं चाहती है ना, ये क्या? दूसरी मैं बताना नहीं, ऐसी कुछ है नहीं। और तीसरी? आई थिंक, मुझे लगता है कि ऐसी कोई खास आदतें नहीं है मेरी, बस जो एक थी मैंने बता दी, कुछ ऐसा नहीं जो छुपा हुआ है लोगों से। कोई बहुत बेहतरीन चीज या कोई बहुत बुरी चीज जो किसी मेल फैन ने की हो, पहले बेहतरीन बताओ जो की अभी तक। बहुत अच्छा लिखते हैं अभी तक मेरे बारे में, कोई बदतमीजी या कमेंट्स ऐसे नहीं करते, तो मुझे सारे फैंस की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बदतमीजी ये लिखी थी कि मैं PSL पे दुबई में थी, आपको याद है, आई कॉल्ड यू, और मुझे बड़ा बुरा मतलब अच्छा नहीं लगा था कि वो फ़ैन जो है वो होटल आ गया था मिलने के लिए, और मैं डर गई थी, और वो कह रहे थे मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, और उसने 4 घंटे नीचे होटल में वेट किया था, हम लोग ऊपर तैयार हो रहे थे, हमें मैच पर जाना था, तो ये एक मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। कोई क्रेजी फैन होगा यार, नहीं बड़ा वो अच्छा लगता है, लेकिन ये होता है कि अभी ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों से गुजर रही हूँ ना, तो आपको नहीं पता होता कि सामने वाला कौन है, ऑब्वियसली। सही है, जिंदगी में कभी किसी को पसंद किया? एक को पसंद किया, बस एक ही है, किसी को नहीं किया, एक को किया है। हाँ? अच्छा, तो फिर जिंदगी में पहला लव लेटर कब मिला था? कि अब सिर्फ मैसेज ही मिला था, लेटर मिला ही नहीं जिंदगी में? लेटर वाला जमाना नहीं है ना, है ना? अभी तो बस वो SMS WhatsApp बल्कि WhatsApp यार, ये क्या जमाना है, क्या खत की क्या वैल्यू है, बार-बार निकाल के वो पिकअप के पीछे लग के मोटरसाइकिल में वो खत पकड़ाना, यार वो फीलिंग ही खत्म हो गई। नहीं, वो खत लिखना फिर उस पेपर पे खुशबू लगाना, यहां अक्सर तो खून के कतरे भी डालना। ओहो, ये फैसल ने डाले होंगे? नहीं, मैं नहीं फैसल, किसी ने तो डाले होंगे फैसल के लिए। नहीं, अच्छा, ये कभी नहीं हुआ? लेकिन ये हुआ कि टक 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 बच्ची का नंबर लिया, उसको मैसेज कर दिया, अरे यार
फीलिंग्स ही नहीं है, मेहनत ही नहीं है, मेहनत ही खत्म हो गई। चार चार घंटे खड़े हैं वो नहीं अब वो वाली है, नहीं वो वाली है, अच्छा वो नहीं अब बस इंस्टा पे देख लिया, फॉलो कर लिया, कहाँ है लड़की, वही इंस्टा पे मैसेज किए जा रहे हैं बच्ची, स्नैपचैट पे चेक कर लिया आज कहाँ फिर रही है, कहाँ। सीरियसली यार कितना आसान हो गया। कोई वर्स्ट रूमर, कोई स्ट्रेंजेस्ट रूमर जो सुनी हो अपने बारे में? अभी तक कुछ ऐसा नहीं सुना है, अल्लाह का शुक्र है, और ना सुनूं। नहीं नहीं इंशाल्लाह आप हेटो सब सुनेंगी आप। जब आप हेट हो जाते हैं हमारे मुल्क में बड़ा कमाल है, आपके अपने ही लोग आपके बारे में चीजें निकालने का बहुत शौक है। मुझे एक तो मुझे तीन के साथ काम करने का बहुत शौक है। अच्छा एक नहीं है, तीन तीन जिसमें से पहले तो फैसल है, दूसरे अदनान सिद्दीकी और तीसरे आहद रजा मीर। बिकॉज मैंने आहद का भी रिसेंटली एक ड्रामा देखा, यकीन का सफर, एंड आई थिंक ही इज ब्रिलियंट। नहीं ये तीन चार बॉयज बहुत जबरदस्त हैं भाई, मैं तो हर जगह तारीफ। नो डाउट ये सारे जो नए लड़के हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स वुड यू गिव देम आउट ऑफ 10 विद योर चॉइस, इफ यू लाइक देम मोर, यू लाइक देम लेस? आमना इलियास एज अ मॉडल और एक्ट्रेस, योर चॉइस, व्हाटएवर, एज एन एक्टर, एज अ मॉडल? नंबर नहीं दे सकती मैं किसी को, आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि शी इज डूइंग रियली गुड, माशाल्लाह। तो 10 में से 10 दे दो ना यार। हां 10 आउट ऑफ 10। अच्छा सदफ कवर 10 आउट ऑफ 10। सदफ कवर का तो मैं 15-20 दूंगा, जो एग्जिस्ट नहीं नंबर्स करते। शी इज गॉर्जियस, शी इज अमेजिंग, आई थिंक शी इज एन अमेजिंग एंट्री, बहुत मेहनती। फौजिया अमान, एक्चुअली ये लोग मुझसे सीनियर्स हैं, तो इन लोगों के बारे में मैं इतना वो obviously जानती नहीं, जानती तो बहुत हूँ, लेकिन ये होता ना कि आई कांट कहना नहीं चाहती, obviously, so I said 10 out of 10. अच्छा डायरेक्टर यू डोंट वांट टू वर्क विद एवर? अभी तो काम शुरू किया है। हाँ तो फिर अभी डायरेक्टर, अभी तो सबको टेस्ट करूंगी। यू वांट टू वर्क विद डेस्परेटली कि यार इसका काम करना। आप एक तो जो मैं अभी रिसेंटली ड्रामा देख रही हूँ यकीन का सफर, मुझे उनके डायरेक्टर का नाम नहीं आता, बट आई नो वो उस ड्रामे में मौजूद भी हैं। क्या नाम है उनका? और एक हसीब से, एक हसीब हसन के साथ। ओह क्या डायरेक्टर है, आई रियली वांट टू वर्क विद हिम। क्या डायरेक्टर है हसीब। सेलिब्रिटी क्रश? फवाद, आई लाइक हिम। ठीक है, निकनेम है कोई मेरा? बहुत सारे हैं, अरीबू, अरबिया एंड अरबा खाला, माय यू नो ये सारे नेम है मेरे। बच्चे ऑब्वियसली सिस्टर्स के बच्चे हैं। और लाइक लिफ्ट में फंसने का दिल हो किसी एक्टर के साथ, कौन सा एक्टर होगा? मैं चीखे मारूंगी, मैं इतना डरती हूँ लिफ्ट से, मैं फंस जाऊंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए, फवाद खान आ जाए, चलो साथ। नहीं मैं कहूंगी अभी मुझे यहाँ से निकालो। कोई भी आए निकालो यहाँ से। सही है भाई। हॉटेस्ट मेल मॉडल? हॉटेस्ट मेल, हाँ जो रेगिस्तान में शूट करवाते हैं। हॉटेस्ट मेल मॉडल सारे ही हैं यार। हाँ सब अच्छे हैं, हमारे बॉयज बहुत नाम अच्छे ना यार, सब बॉयज बहुत अच्छे, इतने नाम है। मैं तो उस दिन पता है बाप एक शो पे चला गया, सारे कपड़े चेंज कर रहे थे, मैंने कहा मैं यहाँ नहीं करूँगा। कहते मैंने कहा तुम सारे आठ आठ नौ नौ पैक के साथ घूम रहे हो, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा। अच्छा हॉटेस्ट फीमेल मॉडल दैट यू थिंक शी इज रियली गॉर्जियस? सबीना पाशा। ओह शी इज गॉर्जियस यार, ये कहाँ से याद आई तुम्हें सबीना पाशा? आई लव हर। मैंने जब शुरू किया था मॉडलिंग तो मेरी, मैं उनके साथ, मुझे पता नहीं था मेरा रूम उनके साथ शेयरिंग पे था, और जब वो एंटर हुई थी ना, आई जस्ट लुक्ड एट हर लाइक 5 seconds कि ये मेरी रूममेट है। वो कनाडा से, कनाडा चली गई हुई ना, वो तो उधर रहती है। उस वक्त शो पे भी कनाडा से ही आई थी, लाहौर में हम शो कर रहे थे। एंड और आपको पता है वो इतनी पॉजिटिव है, बहुत अच्छी। रात को नमाज पढ़ना, सुबह शो पे जाने से पहले मेकअप में मैं नमाज पढ़ लूँ, दो नफिल फिर जाती हूँ, जरा रुको भाई। इतनी गप्पे, हम लोग टीवी चला के डांस कर रहे होते थे, शी इज अमेजिंग। कहीं से मुझे फील नहीं आया कि मैं एक फेमस सीनियर मॉडल के साथ रह रही हूँ, एक ही बेड पे हम शेयर। शी इज अ लवली गर्ल, आई नो हर वेल, बहुत अच्छी लड़की। अच्छा जनाब बड़ा मजा है अरीबा के बारे में जान के, नई नई चीजें, क्योंकि अरीबा से पहली बार मेरी मुलाकात हुई है और इस शो के थ्रू मैं पहली बार जाना भी हूँ, और फैसल को तो हम सब जानते ही हैं, और फैसल जो है वो यहाँ पे बड़ा ज़रा खामोश होकर बैठा हुआ है, अपने शो में ज़रा ये ज़्यादा उछल रहा होता है, मेरे शो में ज़रा बैठ गया खामोशी से। बट थैंक यू यार, बड़ा मज़ा आ रहा है, और आई थिंक शो का टाइम इतनी जल्दी गुजरा मुझे पता नहीं चला। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और बातचीत होगी जो हम फैसल कुरैशी और रीबा से करेंगे।
एक्चुअली जनाब जब आप लोगों के फेवरेट लोग आते हैं यहाँ पे तो फिर ये दिल नहीं करता वो चले जाएं, क्योंकि इतनी मज़े में से कि बातें उनके साथ शुरू होती हैं मैं भूल जाता हूँ, बाद में एडिट बहुत होता है, हम तो बहुत लंबा लंबा रिकॉर्ड करते हैं लेकिन आपके सामने 40 मिनट का प्रोग्राम आता है। फैसल टाइम ख़त्म हो गया, जाते जाते अपने फैंस को लोगों को कुछ कहना चाहते हो? यार देखो मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी सिचुएशन होती है आप फ़ौरन से ना हमारे यहाँ लोग रिएक्ट कर देते हैं, फ़ौरन से बोलना शुरू कर देते हैं, फ़ौरन से इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। सो थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। ये मैं खैर जो लोग इंडस्ट्री से बाहर के हैं उनको तो हम क्या कह सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं मेरे ख्याल से उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत एक होके सोचें इस वक्त। हर चीज़ में छलांग मारना बहुत ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ में बोलना बहुत ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ को नेगेटिव करना बहुत ज़रूरी नहीं है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं, हम इस बारे में इन चीज़ों को, मैं सिर्फ इस मसले की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे मसले होते हैं जिन मसलों को हम आपस में बैठ के बहुत आसान तरीके से, हम लोग हॉलीवुड नहीं हैं, हॉलीवुड की तरह अगर वहाँ पर किसी एक्टर के साथ कुछ होता है तो फिर उसको जितना पैसा मिला हुआ होता है या उसको जितनी रॉयल्टी सारी ज़िंदगी मिलती रहती है वो हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे राजिक ना बने, किसी के करियर के ऊपर मत आएं, थोड़ा सा काम डाउन हो और पॉजिटिव सोच लेकर आएं और पॉजिटिवली चीज़ें जो हैं उनको हैंडल करें, चाहे आप किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं। आपके कहना चाहेंगे जाते जाते? मेरा मैसेज भी काफ़ी फैसले से मिलता जुलता है। पहली बात कि पॉजिटिव रहें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखें दूसरों को भी, और किसी भी चीज़ पे इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करें जब तक आपको दोनों साइड नहीं पता। मैं मानती हूँ कि हम बहुत सारे फ़ैन होते हैं किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस के, तो हमें बुरा लग सकता है कि उसने ऐसा क्यों कहा या उसने ऐसा क्यों कह दिया, बट आई थिंक इसमें बड़ापन होगा कि अगर वो एक्टर और एक्ट्रेसेस या कोई भी सीनियर या जूनियर खुद उठ के आके खुद बोल दे आगे बढ़ के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम एक फैमिली हैं, ये एक इंडस्ट्री है, हम फैमिली की तरह रहते हैं, हम सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं बाय द वे, तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बड़े बन जाएं छोटे होके और अपने बारे में कुछ बोल दें ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। बिल्कुल सही जनाब, हमने अपनी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं उनको सही करना होता है और आपको जिस चीज़ पर फोकस करना है वो बहुत ज़रूरी है, और नेगेटिव चीज़ों के बारे में डिस्कस करना छोड़ ही देना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने वतन के बारे में, एक दूसरे के बारे में अच्छे अंदाज में सोचना चाहिए। यही हमारा मैसेज जनाब। थैंक यू वेरी मच फैसल, थैंक यू रीबा। नेक्स्ट एपिसोड जो है जनाब, आप जिनको हम कहेंगे आप उन्हीं को बुलाएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं जी हमारे नेक्स्ट गेस्ट कौन होंगे। इजाज़त दीजिए।